हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खुशखबरें जरा कमी आती है, लेकिन अभी आई है कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी घरों को संग्रहालय में बदलने के उद्देश्य से खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई। दरअसल पेशावर जिला आयुक्त कैप्टन खालिद महमूद ने दोनों भवनों के मालिकों की आपत्तियों को खारिज करते हुए घरों का स्वामित्व पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। इसके बाद आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भूमि दिलीप कुमार और राज कपूर साहब का जो एंसेस्टर पैतृक घर है उसे अधिग्रहण विभाग यानी निदेशक पुरातत्व और संग्रहालय के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाए। ये फैसला पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय सरकार ने लिया है। सरकार ने जो इसकी कीमत तय की है पाकिस्तान सरकार ने, दरअसल खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने राज कपूर के 6.25 मरला और दिलीप कुमार के 4 मरला घरों को क्रमशः 1.5 करोड़ रुपए और 80 लाख रुपए की कीमत में तय किया है। अब इन्हें संग्रहालय में बदलने की योजना है। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये पूरा जो बेल्ट है उसमें ये उस समय से यूज की जाने वाली एक पारंपरिक इकाई है मरला, जिसे 272 वर्ग फुट या 25.29 वर्ग मीटर के बराबर माना जाए। कपूर हवेली के लिए जो मालिक ने मांगे थे, उसका मालिक जो है अभी अली कादिर है, उन्होंने कपूर हवेली के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। वही दिलीप कुमार के पैतृक घर के मालिक गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि सरकार को उसे 3.5 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य पर खरीदना चाहिए। हालांकि प्रांतीय सरकार ने पिछले महीने पेशावर के उपायुक्त को इस शहर के केंद्र में स्थित दोनों घरों को संग्रहालय में बदलने के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए। किस्सा खानी बाजार में ये दोनों स्थित है। हम आपको बता दें कि कपूर हवेली के नाम से जाने जाने वाले राज कपूर का पैतृक घर किस्सा खानी बाजार में सीधे उसके पास ही में दिलीप साहब का भी घर है। इससे 1918 और 1922 के बीच महान अभिनेता के दादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने बनवाया था। इमारत में राज कपूर साहब और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म हुआ था। इसे प्रांतीय सरकार द्वारा संग्रहालय में बदलने की योजना है। हालांकि दिलीप कुमार साहब का घर 100 साल पुराना है जर्जर अवस्था में, लेकिन पाकिस्तान की तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार 2014 में जो थी उन्होंने दिलीप कुमार साहब के घर को संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दे दी थी, तो अब कहीं जाके वो मामला सारा सरकारी फाइलों से होते होते ओके हुआ है। तो अब ये महान अभिनेता और फिल्म निर्माता और फिल्म मेकर्स की जो जन्मभूमि है वो पाकिस्तान में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जानी जाएगी। मुझे लगता है इस घटना से हमें भी थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि हमारे जो महान फिल्म मेकर थे गुरुदत्त साहब, उनका स्टूडियो जो नटराज स्टूडियो था वहाँ पर आज एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। वहीं पर राज कपूर साहब के जो वारिस है उन लोगों ने आरके स्टूडियो बेच दिया है, पूरा जली गया था वैसे भी मामला। अब वहाँ पर भी कुछ राज कपूर साहब के नाम से बचने वाला नहीं है। कमालिस्तान जहाँ पे कमाल अमरोही ने एक से एक बड़ी फिल्में बनाई, उसकी भी खबरें हम सुन रहे हैं कि उसकी बात बिकने की चल रही है। तो कई सारे साहिल लुधियानवी का घर बिक के वहां पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ऐसे कई सारे किस्से हैं, कई सारे उदाहरण हैं। तो हमें हमारे इन कालजयी कलाकारों की विरासत को संभालना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इनसे रूबरू हो सके, इनसे कुछ तो रابطہ हो इनका। कि आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछे कि साहिर कौन है, देव साहब कौन है, राज कपूर कौन है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। ये इतने बड़े लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस और थोड़ी सी पहल करना चाहिए नैतिक तौर पर। मैं नहीं कहूँगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नैतिक तौर पर इन कलाकारों की विरासत को संभालना चाहिए। ये एक साझा विरासत है जो हमारी आने वाली नस्लों को हमें देना चाहिए, ऐसा मेरा दिल से विश्वास है।